नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। शिव पुराण में शिव जी ने बताए हैं मृत्यु से जुड़े ये पांच संकेत। जी हां मित्रों, आप जानते हैं कि मृत्यु भी यूं ही नहीं आती, यह काफी समय पूर्व से संकेत देने शुरू कर देती है। शिव पुराण में शिव जी ने स्वयं ही मृत्यु से संबंधित संकेत बताए हैं। तो आइए मृत्यु पूर्वा जो पांच संकेत है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि भगवान शंकर जी बताते हैं कि हर मनुष्य को ये पांच संकेत मृत्यु से पहले अवश्य दिया जाता है। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वेद पुराण की जानकारी मिलती रहे, शास्त्रों से जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति को पानी, तेल, घी और कांच में अपनी परछाई न दिखाई दे तो सतर्क हो जाइए। मान्यता है कि ऐसे जातक को मृत्यु 6 माह पहले ही हो जाती है, यानी कि 6 माह पहले जो संकेत मिलना शुरू हो जाती है इसके बाद मृत्यु निश्चित रूप से होती है। इसके अलावा अगर किसी को अपने परछाई बिना सिर के दिखाई दे तो ऐसे जाता की मृत्यु 6 माह के अंदर हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार अगर किसी जाता को आग की रोशनी ठीक से दिखाई न दे और चारों ओर काला अंधेरा दिखाई देने लगे तो ऐसे जाता की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो सकती है। वहीं ऐसे जातक जिन्हें अचानक नीली मक्खियां घेर लें तो हो सकते हैं उस जातक की मृत्यु लगभग 1 महीना ही बची हो। ऐसे संकेत दिखे तो जातक को सतर्क हो जाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जिस मनुष्य के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर के बैठ जाए या गिद्ध और कौवे घेर लें तो ऐसे जातक की मृत्यु लगभग 1 महीने के अंदर हो सकती है। वहीं ऐसे जातक जिन्हें सूर्य और चंद्रमा तो साफ दिखाई दे लेकिन दिशाओं का भ्रम रहे तो कहते हैं कि ऐसे जातक की मृत्यु 6 माह में हो सकती है। शिव पुराण के अनुसार अगर किसी जातक को चंद्रमा व सूर्य के आसपास काला लाल घेरे दिखाई देने लगे तो उनकी मृत्यु लगभग 15 दिनों के अंदर में हो सकती है। वहीं अगर किसी जातक को चंद्रमा और तारे ठीक से दिखाई न दे या फिर स्पष्ट दिखाई न दे तो उनकी मृत्यु 1 महीने के भीतर में हो सकती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।